नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको बता दें कि चीन के द्वारा जो हिंसक झड़प हुआ है, चीन और भारत बॉर्डर पे हिंसक झड़प के बाद जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसको लेके लगातार देश में आक्रोश है। और आज इस समय हम मौजूद हैं सिवान के अम्बेडकर पार्क में, आप जहाँ पे देख सकते हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पे भीम आर्मी के कुछ मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो पहुँचे हुए, इनसे बात करेंगे। नेमत जी, क्या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज आप लोग? आज पहले तो 6:30 में जो हमारे शहीद जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री से बदला की वो आह्वान किया जाएगा कि आप बदला लीजिए। और उसके बाद 7:45 जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे मतलब पीर बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में अमित देवगन ने अपशब्द कहा है, उनके पुतले को दहन किया जाएगा, उनको अरेस्ट की मांग की जाएगी। और जो जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति, उनका पुतला दहन किया जाएगा। और हम लोग जैसा कि बता दें जो यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति हैं उनका पुतला दहन करने का प्लान है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे एक पत्रकार अमित देवगन के पुतला जलाने की भी बात ये लोग कर रहे हैं। फरहान अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं। फरहान अम्बेडकर जी, आज कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं एक पत्रकार की पुतला जलाने की, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? पत्रकार की पुतला जलाने की नौबत इसलिए है कि वो पत्रकार कम, लेकिन आम भाषा में ये बोला जाता है कि जो मीडिया होती है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होती है, लेकिन ये जो है फोर्थ पिलर नहीं, फोर्थ किलर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसे लोग किलर हैं डेमोक्रेसी के, और डेमोक्रेसी पर एक कलंक है जो एक देश की विचारधारा को नहीं, देश की विचारधारा की बात नहीं करते, एक खास संस्था, एक खास पार्टी के विचारधारा को ये लोग प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी के लिए 1:20 से कम नहीं है। इसलिए तो आप लोग कानून का सहारा ले सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, इस तरह से एक पत्रकार के साथ, पत्रकार तो स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसे में इनका पूछा जाना नहीं, तो ये भी तो कानूनी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये भी तो हमारा फंडामेंटल्स राइट्स है कि अगर डेमोक्रेसी के लिए कोई ख़तरा है तो उस देश में रोड पर आकर के अपने फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग विरोध दर्ज करें। तो हम आउट ऑफ लॉ तो नहीं है, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। भारत और चीन के बाद जो ये हिंसक झड़प हुई थी उसके लिए आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं, क्या कहेंगे? ये समय मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर है कि किसी का क्रिटिसाइज़ किया जाए, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारे देश में कौन कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे हित में है नहीं है, हमारे हितों की सुरक्षा हो रही है नहीं हो रही है, तो ये जानना हमारा एक मेरा मौलिक अधिकार है और हर नागरिक का ये अधिकार है। और सरकार को चाहिए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बरते और जो कुछ भी हो रहा है वो सच सच सबके सामने बताए। पूरा देश का नागरिक सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन भारतीय नागरिकों को अंधेरे में रखने से इस सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। ये सरकार ये समझ रही है इस चीज़ को कि हम हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक मंदी जो यहाँ आई है उस पर एक कवर देने के लिए, जो आर्थिक स्लोडाउन हुआ यहाँ पे, इसको एक कवर देने के लिए इस लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आर्थिक मंदी हमारे यहाँ आई है, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी हुई है, जो लोग 12 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, ये लॉकडाउन से पहले हो चुके थे, और लॉकडाउन में तो इसने और इसको एग्रावेट कर दिया, लॉकडाउन ने तो इसमें और ऐड किया है। तो इन सब चीज़ों को और इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने की जो कोशिश जो सरकार कर रही है, वो ये समझ रही है कि हम इन सारी चीज़ों को छुपा लेंगे, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं है। यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर आदमी अब रोड पे उतरेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर आज सिवान के अम्बेडकर पार्क में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो भारत चीन बॉर्डर पर
हिंसक झड़प में शहीद हो गए थे। जो भी हमारे न्यूज इंडिया तक के व्यूअर इस खबर को देख रहे हैं, आपसे एक अनुरोध है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी लगातार इस तरह की खबरों से आप अपडेट रहें। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं सरफराज, न्यूज इंडिया तक।